Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start our topics or the lectures on the topic of diabetes mellitus. So let us start diabetes mellitus. First we will discuss the introduction and the definition of the diabetes mellitus. The American Diabetes Association defined diabetes mellitus as a group of metabolic disease characterized by inappropriate hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, इंसुलिन एक्शन और बोथ. तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन इसको डिफाइन करते हुए ये कह रहा है कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़. मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें क्या होगा, इन अप्रोप्रिएट हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया जो होगा वो एबनॉर्मली हाई हो जाएगा, यानी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा. क्यों? डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, या तो इंसुलिन सिक्रीशन में डिफेक्ट आ जाएगा, और इंसुलिन एक्शन, कि इंसुलिन सिक्रीशन इज नॉर्मल बट इंसुलिन एक्शन इज इम्पेयर्ड, और समटाइम्स बोथ इशू. सिम्टम्स ऑफ एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया इंक्लूड पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस, ब्लड विजन, फटीग, हेडेक एंड पुअर वोन हीलिंग. एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया की क्या सिम्टम्स है? पॉलीयूरिया, यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, पॉलीडिप्सिया प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, वेट लॉस होगा, ब्लड विजन होगा, फटीक होगी, वीकनेस होगी, हेडेक होगा, और अगर वूंड हो गया तो उसकी हीलिंग बहुत पुअर होगी. क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया कैन लीड टू डैमेज एंड पोटेंशियली फेलियर ऑफ वेरियस ऑर्गन. और जो क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया होगा उसकी वजह से मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो होंगे वो ग्रेजुअली डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, और वो ऑर्गन क्या होंगे, आइज, हार्ट, किडनीज, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. मीन्स ऑफ्थेल्मोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड ब्लड वैस्कुलोपैथी एंड न्यूरोपैथी. ये तमाम जो होंगे वो पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी पैथी डेवलप होंगे, डैमेज होंगे. नाउ हाउ वी कैन क्लासिफाई द डायबिटीज? देयर आर फोर क्लिनिकल क्लासेस ऑफ डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल एंड अदर स्पेसिफिक टाइप्स. तो हम इसको चार डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं. टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, और उसके बाद फिर अदर टाइप्स, अदर स्पेसिफिक टाइप, जिसमें जो टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल नहीं बैठ सकती हो, यानी ये डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, तो वो फिर अदर टाइप में आएंगे. नाउ लेट अस सी व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज टिपिकली कैरेक्टराइज बाय एन एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी. पहली चीज़ क्या होगी इसमें, कि एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, यानी बिल्कुल भी इंसुलिन बॉडी में नहीं बनेगा. पेनक्रियाज इज अनएबल टू सिंथेसाइज इंसुलिन. व्हाई? एट्रिब्यूटेड टू एन ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस. क्यों हो रहा है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया बीटा सेल्स का, कि यानी एंटीबॉडीज बन गई अगेंस्ट बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास या बीटा या इंसुलिन हार्मोन, और उन्होंने क्या किया कि उस इंसुलिन हार्मोन को और बीटा सेल जो वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. अफेक्टेड इंडिविजुअल्स विल हैव ऑटो एंटीबॉडीज टू ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, पेनक्रियाटिक आइलेट बीटा सेल्स एंड और इंसुलिन. देखा यह गया है कि जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनमें एंटीबॉडीज़ मौजूद थी अगेंस्ट ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, पेनक्रियाटिक आइलेट बीटा सेल के अगेंस्ट और इंसुलिन के अगेंस्ट. टाइप 1 डीएम मे बी डायग्नोस एट एनी एज बट मोस्ट लाइकली टू बी डायग्नोस प्रायर टू एज ऑफ 30 ईयर्स, यानी इसको अर्ली एज ऑनसेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रायर टू एज ऑफ 30 भी हो सकता है, इवन के इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में भी हो सकता है. तो टाइप 1 डायबिटीज़ वैसे तो ये एनी एज में होता है, बट मोस्ट लाइकली टू अकर इन द इंडिविजुअल बिलो 30 ईयर्स. अब आते हैं हम टाइप 2 पे. टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड इज टिपिकली आइडेंटिफाइड इन इंडिविजुअल ओवर द एज ऑफ 30 ईयर्स. ठीक है, तो एक तो ये कि यह मोस्ट कॉमन टाइप है, यानी हम जो ज़्यादातर डायबिटीज़ के केसेस देखते हैं अपनी लाइफ में, जो प्रैक्टिकल लाइफ में, वो टाइप 2 के ही होते हैं, और ये आम तौर पे जो होती है वो आइडेंटिफाइड इन इंडिविजुअल्स
ओवर द एज ऑफ 30 ईयर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 30 ईयर्स से पहले नहीं हो सकती, ये अलग बात है कि ज़्यादातर ये ओवर 30 ईयर्स में होती है। हाउ एवर इट हैज़ बिकम मोर प्रोमिनेंट डायग्नोसिस इन एडोलिसेंट्स ऑफ सर्टेन एथनिक ग्रुप, कुछ जो है वो एथनिक ग्रुप के एडोलिसेंट एज में भी देखी गई है, लाइक हिस्पैनिक अफ्रीकन अमेरिकन। दोज डायग्नोज विद टाइप 2 DM आर टिपिकली ओवर वेट और ओबीस, पॉजिटिव हैव ए पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज एंड और एग्जिबिट साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक ट्रंकल ओबिसिटी, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो HDL लेवल एंड एकेंथोसिस नाइग्रेगेंस एंड ऑटो एंटीबॉडीज फाइन इन टाइप 1 DM एंड आर एबसेंट इन टाइप 2 DM। जो जो इंडिविजुअल डायग्नोस होते हैं आमतौर पर वो कैसे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, पेरेंट्स की यानी, और एग्जिबिट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक ट्रंकल ओबिसिटी यानी जो एब्डोमिन है उस पर बहुत ज़्यादा ओबिसिटी है वहाँ से, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल है, लो HDL लेवल है, एकेंथोसिस नाइग्रेकेंस यानी स्किन पे जो है वो निशान से बनते हैं और वो ड्राई पैचेस बन जाते हैं, हार्ड मास बन जाते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज नहीं होती टाइप 2 DM में जैसा कि टाइप 1 में होती है। इसके बाद है थर्ड टाइप, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस इज ए कंडीशन इन विच वीमेन फर्स्ट एग्जिबिट लेवल ऑफ एलिवेटेड प्लाज्मा ग्लूकोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अबव नॉर्मल चले गए। Women previously diagnosed with diabetes prior to pregnancy are excluded from this classification and after pregnancy the diagnostic classification or GDM may be changed based upon postpartum testing। दो बातें यहाँ पर वो कर रहे हैं कि एक तो ये कि gestational diabetes क्या है, gestational diabetes ये है कि during pregnancy first time blood glucose level high हो गया, this is called gestational diabetes। अच्छा, वो वेमेन जिनको जेस्टेशन से पहले ही डायबिटीज़ थी और अगर उनका क्योंकि वो प्रेगनेंसी से पहले ही उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो वो फिर टाइप 1 या टाइप 2 की कैटेगरी में आएंगे तो वो इस क्लास में नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में जिसका फर्स्ट टाइम ग्लूकोज लेवल हाई हुआ है तो उस वक्त उसको हम कहेंगे GDM यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़। लेकिन आफ्टर द प्रेगनेंसी हम ये देखेंगे कि अगर ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल आ गया तो फिर इसका मतलब है कि वो एवरीथिंग इज़ ओके और उस वीमेन को सिर्फ GDM था। लेकिन आफ्टर द प्रेगनेंसी इफ़ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज स्टिल हाई देन इट विल बी क्लासिफाइड एज आइदर टाइप 1 और टाइप 2, तो वो फिर बाद में देखा जाएगा, मीन्स आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। इसके बाद आता है अदर स्पेसिफिक टाइप्स। सेकेंडरी डायबिटीज अकर वैन द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इज ए रिजल्ट ऑफ अदर डिसऑर्डर, ठीक है, तो वो अदर स्पेसिफिक टाइप में आई होगी कि किसी और डिसऑर्डर की वजह से डायबिटीज हो रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगैली, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम, पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर और ट्रीटमेंट विद सर्टेन ड्रग्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंटीसाइकोटिक्स, जो तमाम की तमाम ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा मोनोजेनिक डायबिटीज मेलाइटस फॉर्मरली कॉल्ड मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग शुड बी कंसिडर्ड इन चिल्ड्रन विथ एन एटिपिकल प्रेजेंटेशन और रिस्पॉन्स टू द थेरेपी। तो मोनोजेनिक डायबिटीज मेलाइटस क्या है कि वो क्या है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग इंडिविजुअल एंड कंसिडर इन चिल्ड्रन, आमतौर पर यह ड्रग के रिस्पॉन्स की बेस पर डिसाइड किया जाता है। एडल्ट में प्रेजेंट विद लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज एंड एडल्ट और द लाडा विच इज स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स सिमिलर टू टाइप 2 DM बट ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन टाइप 1 DM। अच्छा, जो लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट हैं यानी लाडा, क्या स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स होता है, ठीक है, सिमिलर टू टाइप 2 DM, जैसा कि टाइप 2 में भी क्या होता है, पहले स्लो डी डिस्ट्रक्शन होता है, ग्रेजुअली टाइप 2 DM डेवलप होता है, जबकि टाइप 1 में तो ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कैटेगरीज ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज और द प्री डायबिटीज, यानी अभी रिस्क है और हम उसको प्री डायबिटीज कह सकते हैं, हुई नहीं है अभी डायबिटीज। इंडिविजुअल्स हु हैव एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट डू नॉट मीट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज, यानी
ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, लेकिन इतना हाई नहीं है कि हम उसको ये कहें कि ये इसको डायबिटीज़ है, बट देट आर टू हाई टू बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल, यानी लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, तो हम उनको कहेंगे दे आर क्लासिफाइड एज प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज़ इज़ ए हाई रिस्क कैटेगरी फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो अगर किसी को प्री डायबिटीज़ है तो इस चीज़ का हाई रिस्क है कि फ्यूचर में दे विल डेवलप टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटिस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डेमोग्राफिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज़, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एन एस्टिमेटेड 8.3% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ डायबिटीज मेलाइटस एंड 35% ऑफ एडल्ट एज 20 ईयर्स एंड ओल्डर हैव प्री डायबिटीज। तो टोटल पॉपुलेशन का 8.3% जो है वो डायबिटीज मेलाइटस है, यानी प्रेविलेंस है, और जो ओवर 20 ईयर्स है या ये कि जो जिनको प्री डायबिटीज़ है उनकी जो परसेंटेज है वो 35%। Disparities exist in the diagnosis of diabetes across ethnic group and minority populations, with Native American, Alaska and Alaska Native having the highest rate of diagnosis, that is 16.1%, followed by blacks, which is 12.6%, and then Hispanics 11.8%। यानी अमेरिका में जो डिस्पैरिटी है वो पॉपुलेशन वाइज वो इस तरह से है कि जो अमेरिकन और अलास्का नेटिव हैं उनमें हाइएस्ट है, और उनमें 16.1% केसेस डायबिटीज़ के रिपोर्ट हुए हैं। ब्लैक पॉपुलेशन जो यूएस में उसमें 12.6, और जो हिस्पैनिक हैं यानी जिनका ओरिजिन पुराना जो है वो स्पेन से है उनमें 11.8% है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस अकाउंट फॉर मोर देन 90% केसेस ऑफ डायबिटीज़, यानी ये जो हमने मुख्तलिफ टाइप्स की है अगर इनको हम टोटल करें तो इनमें जो 90% केस होंगे वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हमें मिलेंगे। Now the next topic is pathophysiology of diabetic state. First is the normal glucose regulation. Normal glucose regulation involves many factors including insulin and counter regulatory hormone. जो glucose regulation है वो insulin से और counter regulatory hormone से होता है। इसके अलावा incretin hormone and amylin are also responsible for the glucose homeostasis. Changes to any of these factor may result in imbalance in glucose level, यानी insulin में imbalance हो जाए, changes आ जाए, counter regulatory hormone में change आ जाए, incretin में change आ जाए, amylin में, तो उस सूरत में glucose का जो balance है वो out हो जाता है। Insulin क्या करती है? Insulin regulates the metabolism of carbohydrate, protein and fats as follows. किस तरीके से? Carbohydrate, protein and fats. First of all, insulin क्या करती है? Promote the cellular uptake ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज, यानी सेल के अंदर ग्लूकोज ले जाने में हेल्प आउट करते हैं। यानी इंसुलिन जब अपने सेल के रिसेप्टर से बाइंड होती है तो ग्लूकोज चैनल को ओपन कर देती है सेल मेम्ब्रेन से। इससे क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर चला जाता है ताकि ग्लाइकोलिसिस के काम आए, यानी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम आए। दूसरा काम क्या है इंसुलिन का? स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल दैट इज ग्लाइकोजन एंड फैट्स इन द लिवर मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज। ग्लूकोज क्या करती है कि जो ग्लूकोज लेवल को स्टिमुलेट इंसुलिन और क्या करती है कि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाके जो एक्सेस होता है स्टोर कर देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स लिवर में मसल्स में एडिपोज टिश्यूज में ताकि फ्यूचर एनर्जी स्टोर्स के तौर पर इसको रखा जाए। इसके अलावा फैसिलिटेट सेल्यूलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड देयर इनकॉर्पोरेशन इन टू प्रोटीन। अमाइनो एसिड की जो अपटेक उसको भी बढ़ाती है ताकि प्रोटीन की इनकॉर्पोरेशन यानी सिंथेसिस हो सके। इसके अलावा इंसुलिन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर मसल ग्लाइकोजन और अमाइनो एसिड्स, और ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है इंसुलिन, चाहे लिवर हो चाहे मसल हो चाहे अमाइनो एसिड्स हो, यानी जो प्रोटीन सोर्सेज हैं उससे भी ग्लूकोज बनने को इनहिबिट ब्लॉक करती है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस को ब्लॉक करती है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो इंसुलिन के जरिए स्टॉप होता है। इसके अलावा डिक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडीज़, और इंसुलिन जो है वो फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन को भी ब्लॉक करती है जिससे कीटोन बॉडीज़ बॉडी में नहीं बनती है। तो ये इंसुलिन के फंक्शन है। इसके बाद है काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स आर इन डायबिटीज़ आर हार्मोन्स दैट वर्क अगेंस्ट इंसुलिन, यानी ये जो हमने यहाँ पे फंक्शंस पढ़े हैं इंसुलिन के वो इनका अपोजिट फंक्शन करती है।
Thus, where insulin lowers the blood glucose, counter-regulatory hormones increases the blood glucose. ठीक है. The counter-regulatory hormones include कौन कौन से counter-regulatory hormones हैं? Glucagon, growth hormone, catecholamine जिसमें epinephrine है, norepinephrine है, और cortisol यानी corticosteroid. इसके बाद है incretin hormone. Incretins क्या है? Ingested glucose promotes more rapid release of insulin from the pancreas when glucose is given by intravenous injection. तो जैसे ही ग्लूकोज का इंट्रावेनस इंजेक्शन लगता है तो फिर जो है वो या इंजेस्टेड ग्लूकोज जो भी इंजेस्ट किया फौरन इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज से रिलीज होता है. लेकिन कैसे रिलीज होता है? वो इस तरीके से कि दिस अकर बिकॉज द इनक्रिएटिन हार्मोन विच इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड एंड ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड आर सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज इंजेक्शन बिफोर द ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब. यानी जैसे ही हमने ग्लूकोज लिया यानी कार्बोहाइड्रेट ईट किया खाया तो फौरन जो है ये इनक्रिएटिन हार्मोन GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड एंड GLP-1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड तो ये जो है वो रिलीज होते हैं. और ये क्या रिलीज होने के बाद ये इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं इसलिए इनको इनक्रिएटिन हार्मोन कहा जाता है. और ये क्या करते हैं? पैनक्रियाज से इंसुलिन को फौरन रिलीज करते हैं. सो पोस्ट पेरेंडियल सिक्रीशन ऑफ GLP-1 is diminish in diabetes mellitus patient whereas GIP secretion is normal or increase and action of GLP-1 include increase glucose dependent insulin secretion inhibit inappropriate glucagon secretion increase beta cell growth and replication slow gastric emptying and suppress the appetite. अच्छा अब क्या कह रहे हैं ये GLP-1 क्या करती है? एक तो ये क्या करती है कि इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाती है, दूसरी ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कम करती है, बीटा सेल की एक्टिविटी को एनहेंस करती है ताकि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज हो, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो करती है ताकि आहिस्ता आहिस्ता कार्बोहाइड्रेट इंटेस्टाइन में जाए और ब्लड में एब्जॉर्ब हो ताकि एकदम हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, और एपिटाइट को कम करती है ताकि एपिटाइट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए. तो डायबिटीज़ मेलाइटस में देखा गया है GLP-1 डिमिनिश हो जाता है. जब GLP-1 डिमिनिश हो जाएगा तो फिर इंसुलिन भी सही तरह से रिलीज नहीं होगा, ग्लूकागॉन ज़्यादा रिलीज होगा, बीटा सेल की ग्रोथ भी कम हो जाएगी, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी स्लो नहीं होगी और एपिटाइट भी कम नहीं होगी. तो इसलिए GLP-1 जो इनक्रिएटिन हार्मोन एक इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इनक्रिएटिन हार्मोन तो ये जो है वो नहीं कम होना चाहिए. तो इसी वजह से वो इनक्रिएटिन माइमेटिक या ऐसी ड्रग जो कि GLP-1 की क्वान्टिटी को बढ़ाते हैं वो ड्रग जो है वो एंटी डायबिटिक के तौर पर काम करती हैं. जब GLP-1 बढ़ जाएगा तो फिर ये सारे फंक्शन हो. इसके अलावा एक और जो हार्मोन है दैट इज एमाइलिन हार्मोन दैट इज कंसर्न को सिक्रीटेड विद इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाटिक बीटा सेल. दस इन इंडिविजुअल विद टाइप 1 DM लिटिल और नो एमाइलिन इज प्रोड्यूस. ये देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज में नो एमाइलिन इज प्रोड्यूस या लिटिल एमाइलिन इज प्रोड्यूस. वेयर इज इन टाइप 2 DM एमाइलिन इज प्रोड्यूस बट इन इनसफिशियंट क्वान्टिटी. और टाइप 2 में क्या है कि एमाइलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन इनसफिशियंट क्वान्टिटी में. एमाइलिन क्या कर रहा है? एमाइलिन लोअर द पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई फॉलोइंग एक्शन. एमाइलिन जो है वो जो खाने के बाद एकदम हाइपरग्लाइसीमिया होता है उसको नहीं होने देता. किस तरीके से? प्रोलोंग द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, ताकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम प्रोलोंग हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता फूड इंटेस्टाइन में आएगा, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगा तो एकदम हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा. इसके अलावा डिक्रीज पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकागॉन सिक्रीशन, खाने के बाद ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा ताकि हाइपरग्लाइसीमिया ना हो और सप्रेस करेगा एपिटाइट. इस तरीके से एमाइलिन अपना रोल प्ले कर रहा है. तो ये हमने हार्मोन्स का तस्करा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज स्टेट में डिफरेंट हार्मोन जो है उनका फंक्शन देख लिया. नाउ डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज. सबसे पहले टाइप 1 DM. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड ऑटो इम्यूनिटी हैव बीन प्रपोज एज कॉजेज दैट लीड टू प्रोग्रेसिव बीटा सेल डिसफंक्शन एंड इवेंचुअली ओवर डायबिटीज मेलिटस. ठीक है, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी जीन में ऐसा है कि उसके बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा था जिससे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई जिसकी वजह से बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए और फिर आकर जो है वो फिर डायबिटीज मेलिटस में कन्वर्ट हो गया. टाइप 1 DM इज द रिजल्ट ऑफ इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल
and is characterized by abrupt and onset of clinical sign and symptom. और abruptly इसके sign and symptoms होंगे वो develop होंगे type 1 DM के. Genetic factors में human leukocyte antigen, DQA and DQB appear to code for either disease susceptibility. ठीक है, जो DQA और DQB वो कोड हैं जीन के, HLA जीन के, जो अगर ये कोड पाया जाता है तो फिर अगर यानी जीन मैपिंग की जाए तो उसमें ये कोड है तो इस चीज़ की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि इस इंडिविजुअल को टाइप 1 DM अगर नहीं हुआ है तो कभी भी ना कभी हो जाएगा. फर्दर इसकी जो कोड्स की सब टाइप्स हैं DRB, DR4, HLA-DQA1, *0301 एंड HLA-DQA1-0302 और रेजिस्टेंस जीन यानी रेजिस्टेंस के जो जीन है यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस के DRB1*0408 DQB1*0302 इस तरह से ये डिफरेंट जीन है. ग्रेटर देन 90% ऑफ कॉकेजियन डायग्नोस विद टाइप 1 हैव HLA-DR3 एंड HLA-DR4 प्रेजेंट. कॉकेजियंस जो रेस है उसमें 90% में अगर केसेस जो है उसमें HLA-DR3 और HLA-DR4 जीन मौजूद था जब उनको टाइप 1 डायबिटीज हो गई. बट 95% ऑफ दीज इंडिविजुअल्स हैव HLA-DQA1-0301 and 0302 प्रेजेंट. तो ये भी देखा गया है 95% केसेस में. हाउ एवर इन स्टडीज ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स देयर इज 50% डिसकॉर्डेंस रेट सजेस्टिंग दैट अदर फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंट फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शस एजेंट्स केमिकल एजेंट्स डाइट्री एजेंट्स मे बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू डिजीज डेवलपमेंट. लेकिन ये जो 90% या 95% की बात कर रहे हैं ये कोई हतमी नहीं है. क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन में दोनों में सेम जीन होते हैं बिल्कुल सेम, लेकिन ऐसा हुआ है कि एक को हो गया एक को नहीं हुआ यानी 50% डिसकॉर्डेंस. तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही जेनेटिक फैक्टर जो ये जीन है यही इन्वॉल्व है डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 DM में, बल्कि अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं लाइक इन्फेक्शस एजेंट केमिकल एजेंट डाइट्री एजेंट्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 DM. द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 1 DM इज इंक्रीजिंग इन ऑफस्प्रिंग ऑफ इंडिविजुअल डायग्नोस विद डायबिटीज. तो जो रिस्क है टाइप 1 DM का उनमें ज़्यादा है, उनके बच्चों में ज़्यादा है जिनको ऑलरेडी टाइप 1 DM डायग्नोस हो चुकी है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से देखे गए हैं जो कि टाइप 1 DM से रिलेटेड हैं? एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज वायरल इन्फेक्शंस लाइक रुबेला कोक्सेकी भी केमिकल और डाइट्री फैक्टर लाइक काउज मिल्क हैव बीन सस्पेक्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 DM. उसकी क्या वजह है कि ये वायरल इन्फेक्शन हुए या ये काउज मिल्क या कोई केमिकल ऐसा लिया गया खाया गया वो बॉडी में गया और बॉडी ने उसको फॉरेन समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई, जैसे वायरल के अगेंस्ट तो बनाएगी एंटीबॉडीज. इत्तेफाक से जो ये वायरस था या केमिकल था या मिल्क था इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाई गई वो एंटीबॉडी ने बीटा सेल के अगेंस्ट भी काम करना शुरू कर दिया. क्यों काम करना शुरू कर दिया? उसकी वजह ये थी इनकी जो एंटीजेनिक कैरेक्टर थी चाहे वो रुबेला हो कॉक्सेकी यानी वायरस हो या केमिकल हो या डाइट्री डाइट हो उनके की जो एंटीजेनिक कैरेक्टर थी वो बीटा सेल की एंटीजेनिक कैरेक्टर से मिलती जुलती थी. तो जब वो एंटीबॉडीज़ बनी उन्होंने जब उनके अगेंस्ट काम किया लाइक मिल्क वायरस या केमिकल तो क्योंकि उसकी एंटीजेनिक कैरेक्टर जो थी वो बीटा सेल के जैसी थी इस वजह से उसने बीटा सेल को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. तो कभी कभी इस तरह भी होता है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप हो जाना. तो इसी वजह से नेक्स्ट इज द ऑटो इम्यूनिटी. एन ऑटो इम्यून कंपोनेंट पॉसिबली ट्रिगर्ड बाई एनवायरमेंटल फैक्टर यानी वही एनवायरमेंट इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 DM. एंटी इंसुलिन और एंटी बीटा सेल एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द मोस्ट इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 DM. ऐसा देखा गया है कि केस डायग्नोस हुआ टाइप 1 DM का तो उसमें एंटीबॉडीज पाई गई इंसुलिन के अगेंस्ट या बीटा सेल के अगेंस्ट. एंटीबॉडीज टू ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज आर फाउंड इन द ब्लड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ इंडिविजुअल डायग्नोस विद टाइप 1 DM. तो ये भी देखा गया है कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज विच इज एंजाइम अवेलेबल इन पैनक्रियाज द
Thus, the presence of these antibodies may serve as an immunologic predictor of the future development of the disease. यानी अगर type 1 DM नहीं है, लेकिन अगर एंटीबॉडीज अगेंस्ट ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज मौजूद है, तो इस चीज़ का कवी इम्कान है कि आगे चल के इसको टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट इज़ द टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस. टाइप 2 की अगर हम बात करें तो जेनेटिक फैक्टर, बीटा सेल डिफेक्ट एंड पेरिफेरल साइड डिफेक्ट हैव बीन इम्प्लिकेटेड. यानी जेनेटिक फैक्टर है इसमें, क्यों जेनेटिकली डेवलप हो गए टाइप 2, बीटा सेल में डिफेक्ट आया, कम बन रहा है इंसुलिन, सब जितनी बॉडी को चाहिए उतना नहीं बन रहा, या फिर पेरिफेरल साइड डिफेक्ट, यानी इंसुलिन तो सही बन रहा है लेकिन वो जो पेरिफेरल साइड है यानी जो सेल्स हैं उन पे इंसुलिन के जो रिसेप्टर हैं वो सही काम नहीं कर रहे, यानी रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो गए, तो उस वजह से जो है वो इंसुलिन की लेवल सही है ब्लड में लेकिन वो अपने रिसेप्टर से सही बाइंड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से डायबिटीज डेवलप हो रहा है, तो इसको हम टाइप 2 DM कहेंगे. जेनेटिक फैक्टर क्या है? देयर इज ग्रेटर देन 90% कॉन्कॉर्डेंस रेट इन द आइडेंटिकल ट्विन इफ वन हैज टाइप 2 DM, सजेस्टिंग दैट द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 DM इज प्रूव डोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स. 90% कॉन्कॉर्डेंस देखी गई आइडेंटिकल ट्विन में टाइप 2 DM के, यानी अगर आइडेंटिकल ट्विन में एक को डायबिटीज हुई, यानी 100 केसेज उन्होंने आइडेंटिकल ट्विन के निकाले जिनमें से अगर एक को डायबिटीज़ हुई थी तो उसका जो ट्विन ब्रदर था 90 केसेस में उसमें भी हुई थी, सिर्फ 10 ऐसे थे 100 में से जिनको टाइप 2 डी नहीं हुई, टाइप 2 DM नहीं हुआ. यानी इसका मतलब है 90% कॉन्कॉर्डेंस है जेनेटिक फैक्टर की इन द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 DM. द रिस्क ऑफ ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 DM इज एटलीस्ट 15%, और ऑफस्प्रिंग में यानी पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जो रिस्क है for the development of type 2 DM is at least 15%. Hoga kya? A primary beta cell dysfunction has been postulated in the development of type 2 DM because at diagnosis typically only about 50% of beta cells are functional. Dekha ye gaya hai ki beta cell dysfunction ho raha hai aur type 2 DM mein, aur takriban beta cell jo kaam kar rahe hain wo 50% pe rahega. The number of functioning beta cells continue to decline with the duration of disease. यानी जैसे जैसे disease progress करती है आगे चल के ये beta cell further decline होना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि 100% beta cell decline हो चुके होते हैं, बिल्कुल destroy हो चुके होते हैं और अब ये insulin बिल्कुल नहीं बना रहे होते. तो अब ये case type 2 से type 1 में चला जाएगा, क्योंकि type 1 को हमने ये define किया था कि उसमें absolute insulin deficiency होती है. इसके अलावा दूसरा इशू क्या हो सकता है? कि हो सकता है कि बीटा सेल डिसफंक्शन ना हो. द अनदर इशू इज ए पेरिफेरल साइड डिफेक्ट मे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप 2 DM. इसमें क्या होगा? डिफेक्ट्स इन पोस्ट रिसेप्टर बाइंडिंग और डिक्रीजिंग नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर कैन लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया. यानी जो इसके रिसेप्टर की जो बाइंडिंग है या इंसुलिन रिसेप्टर की जो बाइंडिंग है उसमें डिफेक्ट आ गया, या इंसुलिन के नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कम हो गए सेल सरफेस पे, जिसकी वजह से इंसुलिन इज़ अवेलेबल बट के रिसेप्टर्स जो है वो कम हो गए या डिफेक्ट आ गया है, तो जिसकी वजह से इंसुलिन जब अवेलेबल होने के बावजूद अब सेल्स पर अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो रहा, जब वो बाइंड नहीं होगा तो ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होंगे और ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा और वो ब्लड के अंदर ही रहेगा, और उस वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा, जो कि दिस इज़ अनदर इशू ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़. तो टाइप 2 डायबिटीज़ में ये भी इशू हो सकता है कि बीटा सेल डिसफंक्शन हो गए यानी डिक्लाइन हो गए, कि इंसुलिन कम बन रहा है लेकिन पेरिफेरल साइड डिफेक्ट नहीं है. ये भी हो सकता है कि बीटा सेल डिसफंक्शन नहीं है, बीटा सेल आर ओके बट पेरिफेरल साइड डिफेक्ट है, तो भी टाइप 2 है. और ये भी हो सकता है दोनों इशू हो उस पेशेंट में. अच्छा, सेकेंडरी डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने अदर स्पेसिफिक टाइप में कहा है, मे अराइज फ्राम अदर डिसऑर्डर लाइक फॉर एग्जाम्पल कशिंग सिंड्रोम, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कॉर्टिसोल है बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, एक्रोमेगैली ये जो होगा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस विच इज़ ऑलरेडी ए डिसऑर्डर ऑफ द पेनक्रियाज, डाउन सिंड्रोम, अदर पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर, या फिर ट्रीटमेंट विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंटीसाइकोटिक्स. ये जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंटीसाइकोटिक्स भी हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी डायबिटीज कह सकते हैं.
नाउ ये हमने बात कर ली इनकी क्लासिफिकेशन और इनकी जो डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ है उस पर हमने बात कर ली। नाउ क्लिनिकल इवेल्युएशन हम इसकी कैसे करें, जब क्लिनिकल साइट पे पेशेंट मौजूद हो तो हमें उसको इवेल्युएट करना है। क्लिनिकल इवेल्युएशन में फर्स्ट इज द फिजिकल फाइंडिंग्स। फिजिकल फाइंडिंग इंक्लूड पॉलीज, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यानी एक्सेस यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट एंड एक्सेसिव हंगर। इसके अलावा वेट लॉस, ब्लड विजन, फटीग, हेडेक, फ्रीक्वेंट विजाइनल इन्फेक्शन एंड पुअर मूड हीलिंग, ये भी होगा। बिकॉज हाइपरग्लाइसीमिया टिपिकली एग्जिस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड टू द डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डीएम, दीज पर्सन में ऑल्सो प्रेजेंट विद द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम डायबिटीज। अच्छा, अब क्या है कि जो हाइपरग्लाइसीमिया जो है डायग्नोस ऑफ टाइप स्पेशली इन टाइप 2 डीएम में हाइपरग्लाइसीमिया बहुत पहले से होता है लेकिन पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं होता हमें बहुत सारे पेशेंट्स को। तो बहुत सारी जब केसेस में जब ये कोई क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है लाइक वही आई में, हार्ट में, किडनी में, लिवर में या ब्रेन में, तब जाके पता चलता है कोई इसकी साइन एंड सिम्टम आती हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन की, तब जाके पता चलता है कि डायबिटीज़ डेवलप हो गई। नाउ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म फ्रॉम वेनी पंक्चर टेस्टिंग, यानी वेन से पंक्चर किया और ब्लड सैंपल लिया, होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर्स एंड पॉइंट ऑफ केयर A1C मॉनिटर्स आर नॉट सफिशेंटली एक्यूरेट टू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। जो होम ग्लूकोज मॉनिटर होते हैं यानी हमारे घरों में जो होते हैं ग्लूकोमीटर, या पॉइंट ऑफ केयर पे जो होते हैं A1C मॉनिटर, दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट, यानी इनकी वैलिडिटी जो होती है यानी जो इनके प्रिसीजन जो है वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन कम होता है। तो इसलिए इसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं करते, हाँ स्क्रीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। A1C टेस्टिंग रिफ्लेक्ट्स द एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द प्रीसीडिंग 2 to 3 मंथ्स एंड कोरिलेट विद द एस्टिमेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल विच इज़ 28.7 × A1C -46.7। अच्छा, अब क्या है इसमें कि A1C जो टेस्ट है, एक तो क्या है कि वो क्या बताएगा, एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द प्रीसीडिंग 2 to 3 मंथ्स, पिछले 2 से 3 महीने में ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा रहा, ठीक है, और उसको उससे हम एस्टिमेट एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल निकाल सकते हैं। वो कैसे, 28.7 मल्टीप्लाई बाई A1C लेवल -46.7। इस फॉर्मूले से हम 3 महीने में उसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रहा वो मालूम कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द लास्ट 2 to 3 मंथ्स। A1C टेस्टिंग फॉर डायग्नोस्टिक पर्पजेज शुड नॉट बी डन इंडिविजुअल विद रेड सेल टर्नओवर, जिनमें रेड ब्लड सेल के जो टर्नओवर ज़्यादा है, डैमेज ज़्यादा होते हैं, यानी बेसिकली RBC की पैथोलॉजी है, यानी देयर इज सम प्रॉब्लम इन RBC, कोई RBC की डिजीज़ है, उनमें A1C टेस्ट जो होगा वो रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि ये A1C क्या है, ये है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो कि RBC से ताल्लुक रखता है। सो फॉर एग्जाम्पल इन प्रेगनेंसी रेड ब्लड सेल एंड ट्रांसफ्यूजन इन सम एनीमियाज A1C टेस्टिंग फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज शुड नॉट बी डन, इसलिए कि ये रिलायबल नहीं होगा। सो दीज इंडिविजुअल शुड ओनली बी डायग्नोस्ड विद ग्लूकोज क्राइटेरिया जो कि हम फास्टिंग और रैंडम करते हैं, सिर्फ उसी फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर की बेस पे ही फिर ऐसे इंडिविजुअल का डायग्नोसिस किया जाएगा। रिपीट टेस्टिंग प्रीफरेबली विद द सेम मेथड मस्ट बी परफॉर्म टू कन्फर्म द डायग्नोसिस अनलेस देयर इज अनइक्विवोकल हाइपरग्लाइसीमिया, मीन्स रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 इन सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल एंड हाइपरग्लाइसीमिया क्राइसिस एंड फास्टिंग इज डिफाइंड एज नो कैलोरिक इनटेक फॉर एटलीस्ट 8 आवर। डायग्नोसिस करें फिर वही है कि आप रिपीट ब्लड टेस्टिंग के जरिए, और अगर बार बार ब्लड टेस्टिंग करने के बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग और रैंडम हाई आ रहा है तो फिर इसका मतलब है उसको डायबिटीज़ हो गई है, दिस इज कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस। लेकिन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, किस केस में, अगर पहली दफ़ा रैंडम ब्लड ग्लूकोज ले किया और वो मोर देन 200 आया और उस इंडिविजुअल में सिम्टम्स मौजूद हैं लाइक यही पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस, हेडेक, फटीग, तो इस तरह की जो सिम्टम्स हैं इसका मतलब है कन्फर्म हो गया है कि वो उसको डायबिटीज़ हो चुकी है, फिर आपको रिपीट टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है।
डायबिटीज़ इन नॉन प्रेगनेंट एडल्ट एंड चिल्ड्रन, डायबिटीज़ इन नॉन प्रेगनेंट प्रेगनेंट एडल्ट एंड चिल्ड्रन क्या होना चाहिए? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी 126 और ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। रैंडम जो होगी वो किस क्या होगी उसकी वैल्यू? ब्लड ग्लूकोज एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया 200 और ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा, अगर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं OGTT यूजिंग ओरल ग्लूकोज लोड इक्वलेंट टू 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लिसरीन इन वाटर एंड द लेवल कम्स आफ्टर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT की टेस्टिंग जब कर रहा है तो मोर देन 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, तो फिर इसका मतलब है डायबिटीज़ हो गई, या फिर A1C लेवल 6.5% या इससे ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसको डायबिटीज़ हो चुकी है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ स्क्रीनिंग शुड अकर बिटवीन 24 टू 28 वीक ऑफ जेस्टेशन इफ़ नॉट प्रीवियसली डायग्नोस्ड विद ओवर डायबिटीज़, यानी ऐसी वीमेन जिनको पहले से डायग्नोस नहीं है कि उनकी हिस्ट्री क्लियर है, किसी किस्म की डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं है, तो प्रेगनेंसी के 24 टू 28 वीक्स में उनको जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाए। इसके अलावा ए फास्टिंग 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कर सकते हैं, शुड बी परफॉर्म इन द मॉर्निंग। वेनी पंक्चर शुड बी मेजर एट फास्टिंग 1 आवर एंड 2 आवर पोस्ट ओरल ग्लूकोज सोल्यूशन इंजेक्शन, यानी जब आपने ग्लूकोज सोल्यूशन दिया तो फास्टिंग 1 आवर एंड 2 आवर पे आप उसका लेवल चेक करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल का। डायग्नोसिस ऑफ GDM कब होगा? ऑन OGTT इफ़ फास्टिंग इज ग्रेटर देन 92 और ग्रेटर देन 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका मतलब है GDM है। 1 आवर पे 180 और मोर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका मतलब है GDM है। 2 आवर पे 153 या मोर देन 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि इसको इस वीमेन को GDM हो चुकी है। इफ़ डायग्नोस विद GDM स्क्रीनिंग फॉर परसिस्टेंट डायबिटीज शुड अकर बिटवीन 6 to 12 वीक्स पे, फिर चेक करें 6 से 12 हफ्ते के बाद और फिर उसके बाद पोस्टपार्टम एंड इफ नेगेटिव एटलीस्ट 3 ईयर्स दे आफ्टर, और अगर पोस्टपार्टम यानी प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद टेस्ट अगर नेगेटिव आ जाए कि फिर यानी ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो फिर जो है वो उस वेमेन का आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहें एवरी 3 ईयर। प्री डायबिटीज़ क्या होगा, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेटिवली हाई रिस्क फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़, ये वो लोग होंगे जिनको हाई रिस्क है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। इसमें क्या होगा? इम्पेयर्ड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 126 तो नहीं आ रहा लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग कितना आ रहा है? 100 से 125 के दरमियान में। और रैंडम कितना आ रहा है या नहीं बल्कि OGT कितना आ रहा है? इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मींस OGTT रिजल्ट 142-199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आ रहा है, और A1C लेवल इनका आता है अगर 5.7 to 6.4% के दरमियान में, इसका मतलब है they are on pre-diabetes and they may develop the diabetes in future. Now, अब है testing in asymptomatic individual कैसे की जाए, जो asymptomatic है। Adults who are overweight BMI 25 or more than 25 kg per meter square or who have one or more risk factor for diabetes should be tested immediately for at least every 3 years thereafter if tests are negative, कि वो individual जिनका BMI 25 या उससे ऊपर है और उनको एक या एक से ज़्यादा risk factor diabetes के मौजूद है, like family history हो गई diabetes की, ठीक है, तो ये है, और या ये कि वो ये ट्रंकल ओबेसिटी है, ठीक है, metabolic disorder है, और वही है लो HDL है, triglyceride बढ़ा हुआ है, तो फिर उनको हर 3 साल के बाद चेक करना चाहिए। वो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर और बता दिए उन्होंने, फिजिकल इनएक्टिविटी कि फिजिकली जो है वो इनएक्टिव हैं यानी सुस्त हैं काहिल हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद डायबिटीज़ पेरेंट्स हो गए लाइक स्पेशली कोई एक, हाई रिस्क एथेनिसिटी ये भी रिस्क फैक्टर है, अफ्रीकन अमेरिकन लैटिन अमेरिकन नेटिव अमेरिकन एशियन अमेरिकन पैसिफिक आइलैंडर्स ऑल्सो, वेमेन हु डिलीवर्ड बेबी 9 pounds और अबव और वर डायग्नोस विद GDM, जिनको GDM था ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हर 3 साल में चेक किया जाए, जिनको हाइपरटेंशन हो ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे अबव हो, या फिर
हाइपरटेंशन डायग्नोस हो चुका है एंड दे आर ऑन थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड ट्राइग्लिसराइड मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दे आर एट रिस्क। वेमेन विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये भी दे आर एट हाई रिस्क, इनकी भी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। एंड प्रीवियस टेस्टिंग इंडिकेटिव ऑफ प्री डायबिटीज़, जिनको प्री डायबिटीज़ हो यानी इस रेंज में आ रहे होंगे फास्टिंग और IGT ओरल ग्लूकोज टेस्ट रिजल्ट्स। क्लिनिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लाइक सीवियर ओबेसिटी एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस एंड हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ऑल दीज आर ए सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल और इनमें टेस्टिंग करते रहें हर 3 साल के बाद। ए सिम्टोमेटिक एडल्ट विदाउट रिस्क फैक्टर शुड हैव स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ 45 ईयर्स, और अगर इसमें से किसी किस्म की भी कोई भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उन 45 ईयर्स के बाद उन ए सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स को ही स्क्रीन करना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ फॉर टाइप 2 DM इन ए सिम्टोमेटिक पीडियाट्रिक पॉपुलेशन शुड अगर एट द एज ऑफ 10 ईयर्स और एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो टेस्टिंग फॉर टाइप 2 DM इन ए सिम्टोमेटिक पीडियाट्रिक पॉपुलेशन उसमें कब करनी चाहिए, 10 ईयर्स के बाद या फिर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, विच एवर कम्स फर्स्ट इन चिल्ड्रन हु आर ओवरवेट। और वो चिल्ड्रन कौन से होंगे जिनको चेक करना होगा, जो ओवरवेट होंगे BMI इज ग्रेटर देन 85th percentile फॉर एज एंड सेक्स, यानी अपने एज और सेक्स के हिसाब से उनका जो BMI है वो जो एवरेज है उससे 85% हाई है, और हाइट जो है 85th percentile हाई है, ठीक है, एंड वेट मोर देन 120% ऑफ हाइट, जो उनके एवरेज वेट हाइट के हिसाब से जो उनका वेट होना चाहिए 120% ज़्यादा है, एंड एटलीस्ट 2 risk factors जिसमें मौजूद हों फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ इन फर्स्ट और सेकेंड डिग्री रिलेटिव, या जो एथनिक ग्रुप्स हैं लाइक अफ्रीकन एशियन नेटिव अमेरिकन लैटिनो साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, या जिनकी मैटरनल हिस्ट्री ऑफ GDM है ड्यूरिंग चाइल्ड जेस्टेशन, तो उन बच्चों में चेक करना चाहिए। इफ नेगेटिव रिपीट टेस्टिंग एवरी 3 ईयर्स, तो अगर नेगेटिव हो तो हर 3 साल के बाद फिर टेस्टिंग करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर फर्स्ट लेक्चर, सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ग्लाइसेमिक ट्रीटमेंट गोल्स। थैंक यू वेरी मच।